सर बीजेपी वाले सिर्फ बोल रहे हैं और कुछ और हवाबाजी है। चार ये जो बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 200 पार भी नहीं है। हर भ्रष्टाचार करे, भ्रष्टाचार बहुत है यहाँ पे, कोई भी नहीं दे रही। मोदी साहब क्या कर रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, 5-5 किलो दे रहे हैं, उसमें कुछ सब पेट, वो कितना पेट भरेगा किसका, वो भी उसके अंदर पूरा पूरा धान में वो पूरा कीड़ा कीड़ा आता है, वैसा धान देके क्या फायदा है। बोले था 2014 में की 2 करोड़ नौकरी देंगे, किधर मिली भाई, ग्रेजुएट है, सेल्स का काम करना पड़ा, कौन सा काम दिया बोलो ना। पब्लिक ठेला लगा के बेच रही है, ऑटो चला रही, इंजीनियर्स का काम दिया, अभी ये बोलेंगे, ये बोलेंगे कि काम दिया लगा के भाई। इंडिया में बुलेट ट्रेन की नहीं, मिलिट्री को ना, आर्मी में इनको बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत है। देश में ना हो, मोदी सरकार रहना चाहिए, भले कुछ ना करे, बस हमारा देश भले कुछ ना करे, भी ना करे मगर मोदी सरकार रहना चाहिए। अंधभक्ति हो गई, कुछ नहीं, हम लोग आम पब्लिक ना करे, हम लोग आम पब्लिक, अंधभक्ति नहीं है, मोदी भक्त है। कि भले ही मोदी सरकार कुछ ना करे, कुछ ना करे, देश का हिफाजत कर रहा है, हिफाजत कर रहा है। हम तो सबसे पहले यही कहना चाहते हैं, अगर जो ईवीएम चल रहा है अगर उसको बंद कर दिया जाए, बैलेट पेपर टू बैलेट पेपर हो, तो वहाँ सबको समझ में आ जाएगा कि अंगूठा कौन मारा है। बैलेट पेपर टू बैलेट पेपर, सर क्या कहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी के कैंडिडेट वीर कोटेजा और महाविकास अघाड़ी से संजय दीना पाटिल इस बार जो है चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है, किसे आप इस बार खासदार की कुर्सी पर देखना चाहोगे? संजय भाव को ही देखेंगे इंशाल्लाह। क्या कारण है सर? उनका काम दिखता है। वीर कोटेजा को पहचानते हो क्या आप? सर पहचानते हैं हम लोग, बट वो हम लोगों के बीच में उतने नहीं है जितने संजय भाई है। संजय भाई के लिए इंशाल्लाह काम भी करेंगे और उनको जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके लिए भी खड़े रहेंगे और वो जहाँ बुलाएंगे हम ऐसे ही जाएंगे। इनकी मोहब्बत इतनी हमारे लिए हमेशा खड़े हुए संजय भाई, इसके लिए भाव ही है हमारे लिए जो है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे गोंडी में ज़्यादातर लोग महाविकास अघाड़ी को ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सर हर बार जो है एक ही प्रत्याशी रहने से यहाँ का मानना है कि विकास नहीं होता, तो इसलिए इस बार प्रत्याशी बदलना चाहेंगे गोंडी के लोग। अच्छा, मीर कोटेजा को पहचानते हो, जानते हो क्या? हाँ बिल्कुल जानते हैं सर। देखिए जनता जिताती है उनको काम के लिए, अगर वो काम पे खड़े नहीं उतरेंगे और आएंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं, तो जनता तो जाहिर से बात है उसको नकार देगी। इसलिए इस बार जो है लोगों ने मन बना के रखा है कि महाविकास अघाड़ी के लोगों के जितने भी प्रत्याशी होंगे जहाँ तक, खास करके गोंडी से जो लड़ रहे हैं हमारे, तो उनको यहाँ की जनता जिताना चाहेगी। ओके, आप क्या कहेंगे भाई, महाविकास अघाड़ी या बीजेपी? महाविकास अघाड़ी। महाविकास अघाड़ी, बीजेपी या महाविकास अघाड़ी? हमारा बीजेपी। बीजेपी, क्या कारण है? कारण ये है, देखो दुनिया जो बोलते अपने को बोले, लेकिन जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर। गोवंडी में बीजेपी ने क्या विकास? देखो जो है गोवंडी का और धारावी का जो भी हम जा भी रहे थे, ठीक है हर किसी का अपना अपना प्रॉब्लम है, बराबर है, जिसको जो देना है वो दे सकते हैं। गोवंडी की जनता बीजेपी को वोट क्यों दे, ये सवाल है, क्यों दे, क्या करिए सर बीजेपी ने गोवंडी के लोगों को? देखो जिसको किया है, जिसको किया है वो अच्छा है, जिसको नहीं किया है वो दुखी है। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ऐसे कोई एक चीज़ बता दो जो बीजेपी ने किया है गोवंडी की जनता के लिए। आप उन एक बात है, गोवंडी में तो मैं बहुत कम रहता हूँ, यहाँ तो नहीं रहता, मैं लल्लू भाई कंपाउंड में रहता हूँ। ओके, लल्लू भाई में क्या करिए? लल्लू भाई बहुत किया है। क्या क्या काम किया आप वहाँ आओ? नहीं आप एक ऐसा मुँह जबानी बता दो, आपको याद तो होगा ना क्या इन्होंने ये काम किया? अभी कल तो बहुत कुछ किए। क्या किए? आप कल आए थे उधर, अभी 10 साल से सरकार है, अभी वापस भी सरकार यही है और करना भी अच्छा है, जिसका अच्छा है उसको अच्छा है, जिसको बुरा है उसको। कहने का मतलब ये है कि 5 साल से यहाँ पे बीजेपी के जो कैंडिडेट मनोज कोटा जी, तो उनके 5 काम में से आप एक काम बताइए गोवंडी के अंदर। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो अच्छा काम क्या किया? देखो मनोज कोटे मेरे को पता नहीं, मैं खाली बीजेपी के हिसाब से जानता हूँ, मैं धारावी में आप बोले तो ऐसा हो गया ना कि अंधभक्त वाली जो बात, मतलब आप अंधभक्त हो। बीजेपी या महाविकास अघाड़ी? महाविकास अघाड़ी। क्यों महाविकास अघाड़ी को चुनना चाहिए? उन लोग के अच्छा है, बीजेपी के काम सही नहीं है, बीजेपी ने कुछ काम नहीं करी, इसलिए काम किया। खाली महंगाई, बेरोजगारी
यही सब है इसमें। वो लोगों का तो ऐसा कहना है कि वो लोग जो है कितने लाखों लोगों को नौकरी दी, कुछ नहीं मिला। कहाँ नौकरी है, 400 का गैस सिलेंडर 1250 पर पहुंच गया सर। जो है अनभक्त लोग है तो अनभक्ति ही करेंगे। गोंडी में किसको जिताना चाहोगे? गोंडी में नहीं, बीजेपी के तो कभी भूल के नहीं है। महाविकास चलेगा, बस गठबंधन के साथ जाएंगे लोग। ठीक सर, देखिए पहली बात तो आप देख रहे हैं माहौल जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में या कहीं पर भी पूरे इंडिया में बीजेपी एनडीए बहुत काम कर रही है ऐसा दिखा रही है, सब पेपर और दिखा रही, कुछ सतही ज़मीन पर कुछ भी काम नहीं कर रही है सर। और यहाँ पर एनडीए का कोई लेना देना नहीं यहाँ पर। अगर अगाड़ी साहब अगर कुछ काम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, उनका एक चांसेस है, बाकी इन लोगों को तो कोई पूछता नहीं है। मोंडी में किसको देखना चाहूँ? फिर से हम उन्हीं को देखना चाहेंगे भाई, उन्हीं से मिलते जुलते। तो यहाँ पे तो 5 साल पहले हम बीजेपी थी, तो फिर से नहीं नहीं सर, बीजेपी को तो नहीं देखना चाहेगा, कोई भी नहीं देखना चाहेगा गोंडी का कोई भी। दीना पाटिल, हाँ दीना पाटिल साहब अगर काम करते हैं और इनसे पहले उन्होंने काम किया भी है, उनको पहले उससे पहले आपको वोट डाल के उनको जिताना पड़ेगा। हाँ जिताएंगे ना सर, जिता के ही लेंगे उनको, जिता कर लेंगे। ठीक, लोकसभा चुनाव को लेके माहौल बड़ा गरमाया हुआ है इस बार। बीजेपी के कैंडिडेट मीर कोटेजा और महाविकास अघाड़ी दीना पाटी यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको किसे इस बार जो है जनता मौका देना चाहिए, बीजेपी के मीर कोटेजा या महाविकास के संजय दीना पाटिल? देखो जो ये बात है, संजय दीना पाटिल एक बार यहाँ से लोकसभा चुनाव जीत चुके और मनोज कोटक को हटा दिया गया, अमीर कोटक पर रखा गया। हाँ इसके पहले क्रीड सुमैया जी जीते थे, हाँ इसके पहले क्रीड सुमैया जी जीते थे, क्रीड सुमैया को टिकट नहीं मिलने के बाद मनोज कोटक को खड़े किए, मनोज कोटक आए यहाँ से, जो कि मनोज कोटक मुलुंड के नगर सेवक थे, जैसे हमारे राहुल रमेश सेवाले थे, हाँ नगर सेवक होते हुए भी सांसद हुए, दूसरी बार उनको जिताया गया। ठीक है, इस बार उनको क्यों काटा गया, या तो काम नहीं किए होंगे बराबर, या तो कोई परफेक्ट न्यूज होगा उनका, जो न्यूज है अगर संजय दीना पाटिल काम किए होंगे तो जीतेंगे, अगर नहीं काम किए होंगे जनता उनको भी हटा देगी, जैसे मनोज कोटक को खुद कमेटी हटा दी वैसे उनको भी हटा देगी। और दूसरी चीज़, अगर अबू आजमी जो कर रहे हैं या यहाँ के नगर सेवक जो हैं समीक्षा सिकरे जी वो कर रहे हैं, अगर उनके सपोर्ट में, हाँ उनके सपोर्ट में अगर संजय दीना पाटिल जी हैं, हाँ तो उनको हो सकता है कि बहुमत मिलेगा, उनको बहुमत मिलेगा। रही बात है कि यहाँ काम की परिभाषा होती है न कि वोट की परिभाषा, आदमी काम देखता है। अगर हमारा भले ही यहाँ भाई झोपड़ पट्टी है, मतलब बिल्डिंग खाता तो है नहीं कि यहाँ करोड़पति हैं, ये जो जब सामने आते हैं तो क्या होता है कि इनका लड़का गटर में गिर रहा है, इनका लड़का रोड पर एक्सीडेंट हो रहा है, हाँ तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आदमी आए तो भैया ठीक है आओ, तुम मनोज कोटक जी यहाँ से जीते हो, आज तक तुम कभी एंट्री में आ रहे हो यहाँ पे, कौन कौन से लोग तुम्हारे काम कर रहे हैं, कितने तुम्हारे आदमी हैं, हाँ तो कोई किसी को पता नहीं। अगर एक एप्लीकेशन होता है तो किसके पास जाओ, जाओ बीएमसी में जाओ, बीएमसी में जाते हो तो क्या पता चलता है कि भैया यहाँ तुम्हारा फार्म ही नहीं है, तुम 5 किलो राशन दे रहे हो सही बात, तो 5 किलो राशन में आदमी की ज़िंदगी चलती है, चलती हो तो बताओ मोदी जी। ठीक है 5 किलो 2 रुपये में ले रहे हो, ठीक है तो किसान का अनाज 23 रुपये में ले रहे हो, तो पैसा किससे ले रहे हो? हम ही लोग से ले रहे हैं। किससे ले रहे हो मोदी? सही बात है, आप ले रहे हो ना, महंगाइयों में बिक रहा है। आयकर का तुम्हारा एक नेटवर्क निकलता है कि ठीक है 18% GST CST होता है भाई, अगर हम जमा नहीं करेंगे, हाँ अगर हमारा 7 लाख के ऊपर गया तो GST हमारे ऊपर आ गया, हाँ और हमारी पगार कितनी है, 500 रुपये 400 रुपये 300 रुपये, हम उसमें कितना जिएंगे कितना खाएंगे? अगर हम बाहर खाने जाता हूँ तो हमको खाने भर का पैसा नहीं मिलता है, जितनी पगार यहाँ गवर्नमेंट दे रही है, हम सर्विस गवर्नमेंट तो नहीं है कि भैया 39,000 50,000 65,000 में हमारी पगार तो नहीं है, हम रोड छाप हैं, हमारी रोड छाप की ड्यूटी है। अगर हम गैस लेने जा रहे हैं तो 1200 रुपये लगा दिए हो, 1200 रुपये कर दिए हो, अरे आज तो इलेक्शन के टाइम 600 रुपये कर दोगे तो उसको एक दिन के लिए हम मानेंगे? जो परफेक्ट न्यूज है उसको बताओ ना, हम एनी टाइम इतने 5 साल तक का जो तू आप बताते हो कि मैं एक घोषणा पत्र दिखा रहा हूँ ये चीज़ करूँगा, तो वो चीज़ करके दिखाओ ना, जनता ये सब जो देखती है, लेकिन क्या करें जनता मजबूर है, उसके सामने कोर्ट जाने का फैसला नहीं, पैसा नहीं है, भाड़ा सुबह खड़ा हो जाएगा तो बोलेगा भैया 10 रुपये दे दो मैं भाड़ा पे जाऊंगा, कहीं काम पे जाऊंगा शाम को दूंगा, तो ये सरकार की बात नहीं है, सरकार नहीं है, सरकार का मतलब है
कि जो वचन दो, जो घोषणा पत्र घोषित करो, हाँ उसको पालन करो। 50,000 किसानों को माफ़ कर रहे थे, अब तक कहाँ तक माफ़ किए हो बताओ? होता है, हुआ है कि नहीं? जो भी सरकार बनी है आज तक हर किसानों का, जब पहले सरकार घोषणा पत्र डाउन करते हैं कहते हैं 1,00,000 या 50,000 इनका माफ़ होता है, क्यों किसान आत्महत्या करते हैं? जो है महाविकास अघाड़ी को जो है, महाविकास अघाड़ी नहीं, महाविकास अघाड़ी हो या बीजेपी हो या कोई और अन्य पार्टी हो, जो चीज होगा, जो काम करेगी उसी को जनता वोट देगी। रही बात है बहुमत किसका, हम तो सबसे पहले यही कहना चाहते हैं, अगर जो ईवीएम चल रहा है अगर उसको बंद कर दिया जाए, बैलेट पेपर टू बैलेट पेपर हो, तो वहाँ सबको समझ में आ जाएगा कि उठा कौन मारा है। बैलेट पेपर टू बैलेट पेपर, ताली बजा। साल का जो काम किया उन्होंने 50-60 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, तोड़ दिया। और आगे चल के अगर मोदी जी आएंगे तो ये देश, भारत का जो देश हो है ना, सबसे टॉप जाएगा। 70 साल का रिकॉर्ड ये बात चल रही है। देखो इतने सालों से हमने गोवंडी, शिवाजी नगर, बैगनवाड़ी और महाड़ा मंडाला, इसकी जो शक्ल है ना सर, हमने कभी चेंज होती भी नहीं देखी। और इससे बदतरी और गंदगी पे गंदगी, गंदगी पे गंदगी। देश तो चलो मोदी जी चला रहे लेकिन हम जो इलाके में रहते हैं हमें पहला उसे साफ सुथरा और डेवलपमेंट देखना है वहाँ पर। आपने इस इलाके में किस तरीके का डेवलपमेंट आज तक के देखा है? और जो है अब लोकसभा चुनाव है, बीजेपी से मीर कोटेजा यहाँ से कैंडिडेट है और महाविकास अघाड़ी से संजय दीना पाटिल। तो सर एक आम नागरिक के नाते मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि किसे जो है वोट देना चाहिए, जो शख्स यहाँ पे आके विकास का काम कर सके यहाँ की जनता के लिए? वो हमें तो पब्लिक को या हमारे कार्यकर्ता लोग को यही लगता है कि मनोज कोटेजा अगर आएंगे इस टाइम में, यहाँ के कुछ ना कुछ डेवलप जरूर होगा। मनोज कोटेजा जी को जो है टिकट मिली नहीं है, मीर कोटेजा जो आएंगे ना यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो विकास होगा ही। और इससे पहले भी जो ना लगभग मैंने यहाँ इस एरिया में 25 साल हो गए रह रहा हूँ, तो 10-15 साल का पहले का जो परिस्थिति है आज वहाँ से बहुत कुछ अच्छा ही है। अभी क्योंकि जब से सरकार बनी है बहुत डेवलपमेंट हुआ है, मतलब काम क्या डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है ना, ये हाईवे ब्रिज बना है, मेट्रो का काम चालू हुआ है, बहुत से काम हुआ है। ये मेट्रो का काम तो पूरे मुंबई में चल रहा है ना, अभी ओवर ब्रिज नहीं था, पब्लिक रेलवे क्रॉस करके जाती थी, वहाँ का ब्रिज बनवाया, यहाँ की सुविधा लोगों को दिया। बिना ट्रैफिक रोकते हुए उन्होंने सभी काम करके दिया है, तो इसीलिए हमारा मतदान है। तो बीएमसी का काम है, उसमें क्या है? बीएमसी सर चलाने वाला तो वही है ना, बीएमसी है चलाने वाले, तो मेन जब रहेंगे नहीं तो चलेगा कैसा? पहले भी और लोग भी थे तो भी तो बीएमसी ही थे। बीएमसी थे क्यों नहीं? इतना मंडाला में ऐसा कपड़ा उठा के लोग जाते थे, इतना कचरा था भाई। कुछ हो ना हो, मोदी रहना चाहिए बस। मोदी आप वोट देंगे सर? मोदी, मोदी सरकार इस बार 400 देश में ना हो, मोदी सरकार रहना चाहिए, भले कुछ ना करे। बस हमारा देश भले कुछ ना करे, कुछ भी ना करे, मगर मोदी सरकार रहना चाहिए। अंधभक्ति हो गई, हम लोग आम पब्लिक ना करे, हम लोग आम पब्लिक अंधभक्ति नहीं है, मोदी भक्त है। भले ही मोदी सरकार कुछ ना करे, वो देश का हिफाजत कर रहा है, हिफाजत कर रहा है और कुछ। अगर दूसरी सरकार आई तो देश हिफाजत में नहीं रहेगा, देश की हिफाजत सैनिक कर रहा है, सैनिक कर रहा है, लेकिन मोदी की वजह से कर रहा है ना। हाँ जी, सैनिक पहले तो थे ना, सैनिक तो पहले थे कि नहीं है, लेकिन सैनिक लोग मारा जा रहे हैं, मारा जा रहे थे, कोई सुरक्षा मिला था उन लोगों को? मोदी सरकार जब से आए उनको सुरक्षण मिला है, सुरक्षण मिला। आज मोदी सरकार का माध्यम से मिलिट्री वाला लोकसभा चुनाव जो है यहाँ पे दौर चल रहा है और बीजेपी से मीर कोटेजा यहाँ से कैंडिडेट है और महाविकास अघाड़ी से संजय दीना पाटिल, क्या कहेंगे किसे यहाँ, मतलब जो है आप देखना चाहोगे? संजय दीनानाथ पाटिल को क्यों सर? क्यों भाई? देखो जो काम करेगा उसको ही देंगे। बोला था 2014 में कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, किधर मिली भाई? ग्रेजुएट है, सेल्स का काम करना पड़ा, कौन सा काम दिया बोलो ना? पब्लिक
ठेला लगा के बेच रही है, ऑटो चला रही इंजीनियर्स, कहाँ काम दिया? 15 लाख अभी ये बोलेंगे, ये बोलेंगे कि काम दिया, ठेला लगा के भाई। इंडिया में बुलेट ट्रेन की नहीं, मिलिट्री को ना, आर्मी में इनको बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत है। मोदी ने जो दिया, कहाँ दिया भाई, कहाँ दिया? तुमको दिया क्या? तुम पहन के घूम रहे हो, तुम पहन के घूम रहे हो, दिखाओ इनको, ये पहन के घूम रहे ब्लड प्रूफ जैकेट, देखो पहने, ये पहन के घूम रहे भाई, कुछ नहीं लाख देने वाला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला भाई, कुछ भी नहीं मिला भाई। कुछ भी पूछेंगे कि भाई ये इंडिया में क्या चल रहा है, मैंने अयोध्या में मंदिर बना दिया भाई, इकोनॉमी किधर है, मैंने पाकिस्तान को मारा जाके भाई, इंडिया देख तू पहला, मणिपुर में क्या भाई, मणिपुर 77 डेज में आग लगा था, उसमें 77 दिन जला हो, क्या कुछ नहीं बोला तू, रशिया देख रहा है, इसराइल का बोला अपना घर तो बचा, सुनने में आ रहा है कि चाइना बहुत ज्यादा कब्जा कर चुका है भाई, देखने के लिए बोलेंगे, अभी बोलेंगे ना कुछ भी भाई, मैंने अयोध्या सुधार दिया है, हाँ भाई, इन लोग बोलेंगे कहाँ गए अंकल, अयोध्या गए अभी, अभी इनका ये कहना था भाई का कि अगर मोदी सरकार कुछ भी अगर नहीं कर रही है तो फिर भी जो है इनकी सरकार रहना चाहिए भाई, कुछ नहीं, जो इधर बैठे ना कहाँ गए, देश बहुत अच्छा है, रोड पे कटोरा लेके बैठेंगे ना, वो भी कटोरा छीन लेंगे आके इनका, महाविकास अगाड़ी की वोट लोकसभा चुनाव में, अभी इलेक्शन आया तो 1-1 लाख रुपया उन लोग को दे रहा है, ये दे रहा, अभी 5 साल तक सोए दे गया, 5 साल तक सोए दे गया, जब इलेक्शन नजीक आया है तो बोलते 1 लाख रुपया दे रहा है, 50,000 रुपया दे रहा है, ये दे रहा है, इतने साल तक सोए दे गया सब लोग, खाता में पैसा आएगा, अभी 2-2 लाख, एक जन बोल के गए अभी 10 साल हो गए तो उसके खाते में 15 लाख नहीं आया, अभी नया उठा है 1-1 लाख रुपया डाल रहा है, भाई वोटिंग आएगा तभी इन लोग करेगा क्या, उसके पहले 5 साल कुछ जीत गया तो गए अपने अपने घर पे, सब कमाने के लिए वोटिंग करवा रहा है, ये 1 लाख की भी गारंटी है क्या, क्या कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ टीवी में एडवर्टाइज दे रहा है, कोई गारंटी है ही नहीं, अरे किसी को पक्का रूम बना के बताओ, किसी का बेचारा गरीब का भला करो, किसी झोपड़पट्टी में पड़े उनका भला करो, जब वोटिंग आता है तभी तुम बोलते ये देगा वो देगा, जीतिए कैंसिल कराएगा, वो कराएगा वो कराएगा, मतलब ही क्या है, जीतीएस का हमको प्रॉब्लम है, बड़े बड़े लोग को प्रॉब्लम है जीतीएस, हम लोग को उनसे जीतीएस मन लगता है, लेकिन गरीब लोग का भला करो ना, ये मोदी सरकार जो है एडवर्टाइजिंग को ज्यादा करती है कि वो गरीबों के लिए बहुत ज्यादा, अरे ना मोदी साहब ना असल में वाक्य में कि गरीबों को मोदी सरकार कोई नहीं दे रही है, कोई भी नहीं दे रही है, मोदी साहब क्या कर रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, 5-5 किलो दे रहे हैं, उसमें कौन सा पेट, वो कितना पेट भरेगा किसका, वो भी उसके अंदर पूरा पूरा धान में वो पूरा कीड़ा आता है, वैसा धान दे के क्या फायदा है, ये घर देंगे बोले दे मोदी सरकार, कौन सा घर दे रहा है, पूरा झोपड़पट्टी कितना, पूरा उधर झोपड़ किसको दिया है, किसको दिया तो बताओ, देगा बोला किसका भी बना के भी नहीं दिया घर, ऐसे तो गरीब लोग की मदद करो ना, 5 साल तुमको दिया है तो करो ना मदद, किसी का कोई कमाने वाला नहीं है उसको कौन देखे, कोई भी सरकार आए पहले मदद करो फिर वोट मांगो ना, कि हमको मदद करो, हम किसी को देगा तो सब हमको कौन देखने है देख उसको देगा, हाँ इस बार आप किसे वोट देंगे, बीजेपी को ही देंगे या फिर महाविकास अघाड़ी को देंगे, वो आप दुनिया किसको देगा ना उसको दे देंगे, ओके हाँ। आपकी मर्जी से, मतलब जो आपको अच्छा लगेगा, हाँ। जो काम करने वाला बंदा है उसे वोट देंगे आप, ठीक है माशी, महाविकास अघाड़ी या बीजेपी, बीजेपी देखो कोई पार्टी में, पार्टी कोई भी अंदर दो, पब्लिक को सेवा करना चाहिए बस, मनोज खोटा ने सिद्धि विनायक मंदिर बनाया, उसने फंड लगाया उसमें सिद्धि विनायक मंदिर माला का, बीजेपी ने ब्रिज बनाया, मेट्रो बना रहा है, सब बना रहे, लेकिन जो गरीब लोग का, जो गरीब लोग जो खा नहीं पा रहे, कुछ नहीं पा रहे, पर उनको ध्यान दो, वो म्यूनसिपाली आती है मार के उठाओ, मार के भगाओ, सबको मार के भगाओ, ये किस लिए मार के भगाओ, वोट आता है तो हम बोलते हैं वोट दो वोट दो, इन लोग का हक नहीं होता है, उन लोग का भी हक है, जीने का हक सबका पूरा है, पर इन लोग म्यूनसिपाली आएंगे सब कुछ आएंगे, गरीब लोग को जो पैसे वाले हैं वो खिला पिला के जो भी कर देंगे खन पीनेंगे, गरीब कहाँ जाएंगे वो बताओ, भाई कुछ नहीं डेवलपमेंट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, खाली बोल बचन है, सब अपना पेट भरे लिए है, पब्लिक का पेट कोई नहीं, इलेक्शन के टाइम पे ये लोग आते वोट मांगने के लिए कि वोट दो वोट दो, खिला खिला के बाद 5 साल आप खाली कुछ नहीं करो, खिला रहे और कुछ नहीं, हमारा पैसा लेके हमको ही खिला रहे और कुछ नहीं कर रहे, समझे ना, एक भी राजनेता नहीं है देश के अंदर, एक भी राजनेता नहीं है देश के अंदर, खाली सब अपना अपना पेट भर रहे, गरीब पब्लिक रोड पे मर रही है, कोई किसको पूछने वाला नहीं है, गरीब पब्लिक लोग मरे क्या करेंगे, किसे वोट करेंगे, बीजेपी या महाविकास अघाड़ी, नहीं करेगा बीजेपी या महाविकास अघाड़ी,
जो हमेशा से किया उसी को करेंगे, बाकी किसी को नहीं करेंगे। हमेशा से किए थे एक ही हाथ पंजा पंजा जिंदाबाद पंजा जिंदाबाद पंजा पंजा। ये देखो मैं सामान्य नागरिक है और समाज सेवक है। अरे आवाज सुन, आवाज सुन, अरे आवाज, अरे देख आवाज, ये देखा, ये देखो मैं समाज सेवक हूँ। समाज सेवक का अर्थ है कि बिना पैसा लेके समाज सेवा करने का, जो पैसा लेता है वो उसका समाज सेवा नहीं होता। अभी कोटक ने क्या समाज सेवा किया, कुछ भी नहीं किया, इसके लिए उसको टिकट नहीं मिला। बराबर टिकट नहीं मिला। ताली बजाओ, ताली बजाओ, इसके लिए टिकट नहीं मिला उसको। अगले साल में कोई भी आने दो, भाजपा इधर आएगा भी नहीं। गलती से आया, गलती से पीछे से मशीन से आया। अब मोदी इतना लबर है, मोदी इतना लबर है, ऐसा कोई दुनिया में नहीं। पंतप्रधान हो गया, 15 लाख देगा, किधर दिया 15 लाख? काला पैसा लाएगा, काला पैसा किधर लाया? कुछ नहीं देगा वो। और घर बना के देगा, घर बना के किधर दिया? गरीब लोग गरीब ही रह गया। 2 किलो चावल देता है केड़ा मूंगी का, भिखारी है ये गरीब लोग, भिखारी। इसके लिए ये टाइम में मोदी 400 बार बोल रहे हैं ना, ये मशीन में बोल रहा है ऐसा। अच्छा, 200 भी मशीन को सेट करके उन लोग ने जो है कॉन्फिडेंस रखा है। हाँ, नहीं तो उसके कुछ भी नहीं मशीन भी हो जाता है। एक मिनट जरा, जैसा मोबाइल हैंग हो जाता है ना वैसा सब हैंग हो जाता है। तो मशीन मतलब जो है हैक करने के बाद में जो है ये सब जो है अभी कॉन्फिडेंस है, आपके बार 400 पार के नारे लगा रहे। उसने बैलेट पेपर से अगर अगर चुनाव होगा 200 भी पार होगा नहीं, 200 भी पार नहीं होगा। जो यहाँ पे जो 5 साल कुछ काम नहीं हुआ सर, बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। बेरोजगारी दर इतना नीचे हो गया है कि सब बेचारे जो मेरे उम्र के सब है, सब कोई काम नहीं कर पा रहे ना, कुछ कोई रोजगार नहीं है। कितनी पढ़े लिखे हो आप? सर मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। कहाँ रहते हो आप? मैं इधर ही मंडाला में रहता हूँ। आपको मतलब नौकरी मिली है क्या? नहीं सर, नौकरी नहीं करता हूँ, फुटपाथ पे धंधा लगाता हूँ। वो भी आते हैं म्युनिसिपालिटी, हफ्ते में 2 बार उठा के लेके जाते हैं। मोदी जी तो बोलते हैं ना कि आप वड़ा पाव भी जो नहीं नहीं पकौड़े तलो ये सब कुछ नहीं, ये सब सिर्फ हवाबाजी और कुछ है नहीं। सर बीजेपी वाले सिर्फ बोल रहे हैं और कुछ और हवाबाजी है। ये जो बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 200 पार भी नहीं है। हर भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार बहुत है यहाँ पे। खाली उनके दो ही बेटे सर। इस बार जो है लोकसभा चुनाव को लेके इस इलाके से बीजेपी के कैंडिडेट मीर कोटेजा और समाज का सकारी से संजय पाटिल खड़ रहे हैं, किसे मतलब आप चुन के लेके आने की? सर जी मैं बीजेपी को नहीं चुनूंगा, मैं साइकिल वाले को या पंजे वाले मैं उन्हीं को, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए कुछ ना कुछ जैसे गटर हो गया, मूलभूत सुविधा जो भी दिए हैं कि है तो वो हो रहा है मतलब। और मनोज कोटक आप 5 साल जीते लेकिन कुछ किए ही नहीं, एक भी कोई एक काम नहीं है उनका कि मैं गिना सकूं कि एक काम भी कोई किए हो। इस इलाके से बीजेपी के कैंडिडेट मीर कोटेजा और महाविकास आघाड़ी से संजय दीना पाटिल, तो आप किसे मतलब इस बार जो है खासदार की कुर्सी पर देखना चाहोगे, संजय दीना पाटिल या संजय दीना पाटिल? मीर कोटेजा को क्यों नहीं सर? संजय दीना पाटिल का पहले का काम देख के इसके लिए इस बार लेके आ रहा हूँ, इसके लिए। मीर कोटेजा को क्यों नहीं पता नहीं, मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ। आप जानते नहीं हो मीर? नहीं 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 ठीक है सर, थैंक यू।